नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है और एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने हार से बौखला गई, जो अनाप शनाप बात कर रही हैं। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने बीजेपी का अंतिम होली है प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि अभी 25 साल और प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली नहीं है, हमारी सरकार विकास वाली सरकार है और सरकार पूरी तरह से सुव्यवस्थित है और इसके बारे में व्यवस्था कर ली गई है। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ममता बनर्जी ने चुनौती दी है मोदी जी को बनारस से लड़ने के 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट, अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे और अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और यहाँ नहीं वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेगी, तो शायद जितनी बड़ी पराजय नंदीग्राम से होने वाली है उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ईवीएम मिल रहा है, असम में ईवीएम गाड़ी में ईवीएम रखा जा रहा है। अरे माइक, ये कोई विपक्ष ने साजिश किया होगा भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव फिर से तेजी से बढ़ रही है, क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए, मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, मेरे बहुत पत्रकार मित्रों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करें। लोगों से भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना की रफ्तार को बढ़ने से रोकने में सरकार का सहयोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं लास्ट होली यही वहाँ सुनवाई होगी, तो यूपी क्या आप रास्ता हो गया, यूपी आएगा मुख्तार? माननीय न्यायपालिका पर भरोसा है और मोबाइल मोबाइल लड़का आ गया, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक साजिश के अंतर्गत और एक अपराधी को छिपाने बचाने और भेजने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं तो कोर्ट का फैसला नहीं सुना, आप भी सुन रहा हूँ क्योंकि मैं कार्यक्रम से सीधा इधर चला आ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा फैसला है तो स्वागत। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिस तरह से डॉक्टर अलका राय का नाम सामने आया है मुख्तार की के बचाव में, जिस तरह से उनका नाम सामने आया है, कांग्रेस सवाल